और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूंछ में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में लश्कर के कमांडर अबू जरार को ढेर कर दिया है। लश्कर का ये वही कमांडर है जिसने अक्टूबर महीने में पूंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। 11 अक्टूबर को यह हमला हुआ था जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में लश्कर के कमांडर अबू जरार को ढेर कर दिया है। लश्कर का यह वही कमांडर है जिसने अक्टूबर महीने में पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। 11 अक्टूबर को यह हमला हुआ था जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं और अब देश के इन जवानों ने इस आतंकी को ढेर कर दिया है। पुंछ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच यह एनकाउंटर चल रहा था और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, लश्कर के कमांडर अबू जरार को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। एक बार फिर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लश्कर के कमांडर अबू जरार को सेना ने ढेर कर दिया है। यह वही आतंकी है जिसने पुंछ में घात लगाकर जवानों पर हमला किया था, अटैक किया था और आज सुरक्षा बलों ने उसका बदला ले लिया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पवन का। पवन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को। बिल्कुल, सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की टीमें काफी समय से इन आतंकियों की तलाश में थी जिन्होंने 11 अक्टूबर को पुंछ की बेरा की गली में भारतीय सेना की उस टीम पर घात लगाकर हमला किया था जो सर्च ऑपरेशन पर थी जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। और ये मास्टरमाइंड था अबू जरार जो पाकिस्तान का रहने वाला है, लश्करे तैयबा का ये कमांडर था और इसी की धरपकड़ के लिए टीमें काफी समय से जंगलों की खाद छान रही थी और आज सुबह भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को सफलता मिली है जिसमें अबू जरार मारा गया है और इसके 2 साथी अभी भी घेरे में है और पूरे इलाके को घेर कर अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन और रुक रुक कर गोलीबारी आतंकियों के साथ जारी है। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है जो भारतीय सेना पर हमले में मुख्य शामिल था उसको ढेर कर दिया गया है। शुक्रिया पवन।